हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एजुकेशन। चलिए हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं कि फ्रेंच लोग किस तरह से साउथ इंडियन किंगडम्स में अपना डेरा जमाते हैं। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हुआ, ठीक है। अब इन्होंने आके पौंडीचेरी एंड चंदन नगर जो है वो बंगाल में एंड पौंडीचेरी साउथ में, आपका यहाँ पे वो लोग ईस्ट कोस्ट में, टोटल ईस्ट कोस्ट में ही अपना पोर्ट्स को रखा, पोर्ट्स बनाया और फोर्टिफाई किया। और भी वेस्ट कोस्ट में भी कुछ बनाए थे, प्लस मॉरिशस में भी कुछ बनाए थे अपना पोर्ट्स, ठीक है। इंडिया में जो है वो पौंडीचेरी एंड चंदननगर में, ठीक है। नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो टोटली फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। क्यों करता था? क्योंकि वो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी उनको पैसा देता था, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती थी कम रेट में, फिर लोन्स भी देते थे, तो टोटल कंट्रोल जो था वो फ्रांस का गवर्नमेंट का ही था, ठीक है। अभी 1723 में क्या हुआ कि फ्रांस का गवर्नमेंट ने डायरेक्टर भी अपॉइंट किया ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ओके। तो इस समय क्या हो रहा था, जो फ्रांस था वो उतना आपका ये नहीं था, मतलब एडवांस नहीं था उस समय, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में विश्वास करते थे, ऑटोक्रेटिक थे, सेमी फ्यूडल, पूरा करप्शन में भरा हुआ था, वॉर भी चल रहा था, इफेक्ट अनपॉपुलर थे, तो ये सब इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। जो कि कंट्रोल जो था वो फ्रेंच गवर्नमेंट का था, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडी नहीं था एक प्राइवेट कंपनी के लिए, मतलब वो है तो प्राइवेट लेकिन टोटल जो उनका जो कंट्रोल है वो फ्रांस गवर्नमेंट के ऊपर ही था, ठीक है। और फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो समय के साथ नहीं आगे बढ़ रही थी, तो इसलिए उन लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रहा था, ओके। अभी 1742 से जाके फ्रांस एंड इंग्लैंड में वॉर होती है, ये हम लोग डिटेल्स में कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे उसी में हम बताएंगे, अभी के लिए इतना जानिए 1742 में फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई छिड़ जाती है, दैट इज़ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बोल सकते हैं, वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में। 1748 तक वॉर एंड होता है और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हो जाता है। अभी क्या है, हाउएवर द वॉर ऑफ पोजिशन फॉर, ये तो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है यूरोप में, लेकिन इंडिया में क्या है, ये वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ये टेरिटरीज़ के लेके इंडिया और इंडियन टेरिटरीज़ में फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जारी रहता है। यूरोप में तो लड़ाई ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ पर जारी रहता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद भी ना। डुप्लेक्स आए, डुप्लेक्स जो थे वो फ्रेंच गवर्नर थे, गवर्नर जनरल वॉज टू श्रूड, बहुत श्रूड थे और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिशियन, बहुत ज़्यादा वेल वर्स थे पॉलिटिक्स में, ठीक है। वो अपना जो आर्मी, उनका एक डिसिप्लिन एंड ट्रेंड आर्मी था, वो क्या किए ये सब वो लोग वो देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, ये जो कर्नाटिक में जो वीक रूलर बन गए, फिर जाके आपका हैदराबाद टूट गया, ठीक है, हैदराबाद में भी न कोई स्ट्रॉन्ग रूलर है नहीं, ये वॉच कर रहे थे बैठ के, ठीक है। अभी ये क्या किया, अपना वेल डिसिप्लिन आर्मी के साथ और अपना जो पॉलिटिक वाला पॉलिटिक्स का जो दिमाग है उनको लगा के इन्होंने इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया इंडियन जो प्रिंसेस है उनके साथ, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे किस किस तरह से एक दूसरे को लड़ाया और जाके अपना फ़ायदा लूटा। अभी ये क्या किया, दे सपोर्टेड प्रिंसेस विद देयर आर्मी के प्रिंस, जो लड़ाई कर जो प्रिंसेस थे, जो राजा लोग थे, उनको इन्होंने हेल्प किया। किस तरह से हेल्प किया, अपना जो आर्मी थे और फॉरेन वेपन्स इन लोगों के पास थे वो लेके हेल्प किया, क्योंकि इंडियंस लोग के पास तो फॉरेन वेपन था नहीं कुछ, वो उनका ट्रेडिशनली सारा सामान था, वेपन जो था, ठीक है। इनके इसके बावजूद वो लोग इसके बदले में क्या देंगे इंडियन प्रिंसेस लोगों को, मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे। और फिर देख लिए थे कि नेशनलिज्म, इंडियंस के बीच में नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज्म बोल के कोई चीज़ है नहीं, वो लोग बहुत ही शेल्फिश थे, जो राजा लोग थे वो अपना एस्टेट के बारे में सोचते थे, वो नहीं सोचते थे कि मुगल बादशाह है उनके अंडर में हम लोग अगर हैं तो ये टोटल एक कंट्री है, ये पेट्रियाटिज्म था ही नहीं कि सब मिलके हम लोग नादिर शाह से फाइट करते हैं, ये सब मिलके ये चीज़ तो था ही नहीं उन लोगों के पास। तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, अपना जमीन जायदाद रखेंगे और फिर जाके ऐसो आराम का ज़िंदगी बिताएंगे। तो इनका कोई भी देश के लिए कोई भी भावना था नहीं, कोई पेट्रियाटिज़म था नहीं, खाली पर्सनल गेन के लिए ही लोग मरते थे।
तो क्या हुआ, तो ये जो सेल्फिश एटीट्यूड था इंडियन प्रिंसेस लोग का, इसमें फॉरेनर्स लोग का, फ्रेंच को क्या हुआ कि मौका मिल गया उनका पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दखलंदाजी करने के लिए। अभी देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, कौन था वहाँ पे, नवाब अनवरुद्दीन। नवाब अनवरुद्दीन जो थे वो वहाँ के कर्नाटक का राजा थे, ठीक है। और हैदराबाद में क्या हुआ, निज़ामुल मुल्क का डेथ हो चुका था, ठीक है, और सिविल वॉर छिड़ गया था किसके बीच में, नासिर जंग जो निज़ाम के अपना बेटे थे, ठीक है, और मुजफ्फर जंग जो उनका ग्रैंडसन थे। जाहिर है सेम लीनियज का नहीं होगा, ये शायद चाचा भतीजा होगा, ओके ना। सो नाउ अभी अनवरुद्दीन वहाँ राजा थे कर्नाटक में, एक आपका नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब क्या कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे अनवरुद्दीन को हटा के खुद को वहाँ पे स्थापित करने के लिए, नवाब बनाने के लिए। और यहाँ पे हैदराबाद में क्या हो रहा था कि नासिर जंग से मुजफ्फर जंग का लड़ाई छिड़ गया था, ठीक है। अभी एक सीक्रेट ट्रीटी होता है डुप्लेक्स का, बनता है। सीक्रेट ट्रीटी में क्या है, कर्नाटक का चंदा साहिब और हैदराबाद का मुजफ्फर जंग। देखिए ये लोग क्या करते थे, इंग्लिश ये यूरोपियंस लोग का दिमाग इसी में चलता था कि जिसका आपका से कम है, ठीक है ना, कोई किसी का अगर बेटा है तो उसका तो ज़्यादा ही रहेगा। जैसे आपका निज़ाम का बेटा नासिर जंग है तो उसका जो से रहेगा डायनेस्टी में वो ज़्यादा रहेगा, और वो ग्रैंड सन जो उनका कम रहेगा। तो जिनका कम रहता था आपका भाग, तो उनको क्या होता था, उन्हीं को उन लोग सपोर्ट करते थे अपना आर्मीज लेके। एनीवेज तो कर्नाटक का चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग हैदराबाद का, ये तीनों मिलके और डुप्लेक्स, ये तीनों मिलके षड्यंत्र रचे और क्या हुआ, बैटल ऑफ अंबर हो गया 1749 में, ठीक है, अंबर हो गया। उसमें क्या हुआ, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग और आपका ये जो फ्रेंच, इन्होंने तीनों मिलके क्या, किसको मार दिया, नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन को मार गिराया। अब अनवरुद्दीन को मार गिरा के क्या हुआ, चंदा साहेब जो था वो कर्नाटक का नवाब बन गया, और ये अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली वो भाग गया तिरुचिरापल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, चंदा साहिब जो है नवाब हो गया, और हैदराबाद में क्या हुआ, नासिर जंग को मार दिया, मुजफ्फर जंग को नवाब ऑफ हैदराबाद बना दिया। अभी देखिए इन्होंने बोला कि देखो भाई, चंदा साहिब को बोला, मैंने तो अपना काम कर दिया, डुप्लेक्स ने बोला हमने तो तुमको राजा बना दिया, अनवरुद्दीन को मार दिया, तो हमको भी तो कुछ दो। तो बोला क्या चाहिए सर, बताइए क्या चाहिए। तो बोला कुछ विलेजेस दे दो हमको पौंडीचेरी में। तो 80 विलेज, खुश होके चंदा साहिब ने 80 विलेज जो है 80 विलेजेस पौंडीचेरी में फ्रेंच को दे दिया, ठीक है। तो फ्रेंच को क्या हुआ, 80 विलेजेस ऑफ पौंडीचेरी मिल गया। अब मुजफ्फर जंग के पास गया कि देखो मुजफ्फर जंग, तुमको तो मैंने राजा बना दिया, तुमको बादशाह बना दिया मैंने हैदराबाद का, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो बोला हाँ हाँ सर, आपको तो मिलना चाहिए, तो क्या दे सकते हो, ठीक है, तुम टेरिटरी दे देते हैं पौंडीचेरी का कुछ, तो खाली टेरिटरी न, तब कुछ मसूलीपट्टनम में टाउन्स दे देते हैं, ठीक है, वो सब तो ठीक है, और कुछ बताओ। तो बोला अच्छा हम चलो 5 लाख रुपया फ्रेंच गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो 5 लाख रुपया फ्रेंच गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, लेकिन बहुत खर्चा हुआ हम लोग का ट्रूप्स में लड़ाई में। तो बोला ठीक है 5 लाख रुपया और दे देते हैं सर ट्रूप्स को। तो बोला वो तो ट्रूप्स को दिया, दिमाग तो भाई मेरा चला, मुझे भी तो कुछ पर्सनली मिलना चाहिए। तो बोला अच्छा जी ठीक है सर, तो चलिए आपको 2 लाख रुपया हम कैश दे देते हैं, और 1 लाख हर साल आपको जागीर से 1 लाख रुपया मिलेगा, एक जागीर देते हैं, 1 लाख का पर ईयर मिलेगा आपको, ठीक है। बोला अब ठीक है, वो तो सब ठीक है, और कुछ, तो बोला ठीक है चलिए सर, आपका बात भी रहा मेरा बात भी रहा, हम आपको मोनोररी गवर्नर बना देते हैं सर। बोला अच्छा कहाँ कैसे, तो बोला वो कृष्णा से जाके कन्याकुमारी तक का जितना भी जो भी ईस्ट कोस्ट में है वहाँ का पूरा गवर्नर बना देते हैं सर। तो बोला चलो ठीक है, तो ये लोगों का डील हो गया। तो देखिए इन लोगों का फायदा देखिए, ओके नाउ, तो देख रहे हैं, तो इतना जो फायदा ये लोग का हुआ, फ्रेंच का हुआ, ये किसको अखड़ेगा, ब्रिटिशर्स को अखड़ेगा, इंग्लिश को अखड़ेगा कि हम तो मेरे से बाद में तुम लोग आया, तुम लोग ये सब तांडव मचा रहे हो और इतना पैसा कमा रहे हो, ये तो ब्रिटिशर्स लोग को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से फिर से फाइट बैक किया और इन लोगों को साइड कर दिया।
सो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियोस तो अगर देख ही रहे हैं, अगर यहाँ तक आ गए हैं देखे हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक जस्ट सपोर्ट है, आपका कुछ जाता तो नहीं है कि लाइक और सब्सक्राइब करने में। सो प्लीज़ और भी अच्छा अच्छा लेक्चर लेके आऊँगी मैं, तो काइंडली प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।